हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे रीडिंग द नोवेल। इसमें मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगी। मैं ज़्यादा मेन नहीं बताऊंगी, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगी ताकि आपका भी टाइम सेव हो और मेरा भी। तो आइए, अब इसमें जो जो इंपॉर्टेंट ये हमको पहले ही इसमें दिया गया कौन कौन सी नॉवल। इसमें थिंग्स फॉल अपार्ट, पराचा और द अवेकनिंग। पहले सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पर या गूगल पर कहीं पर भी इन तीनों की सारी समरी, सब कुछ स्टोरी आपको पता होनी चाहिए। उससे क्या आएगा, फिर आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो आइए अब आगे देखते हैं। ये सारे इसकी है, तो हम सबसे पहले जो जो मैं कुछ टॉपिक बोलती हूँ आप उसको प्लीज़ स्टिक करने और वो वाला अच्छे से पढ़ें, तो मैं गारंटी दे सकती हूँ कि आपके एग्जाम्स में अच्छे से कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले टाइप ऑफ नोवेल, ये आपको जरूर जरूर पढ़ना है। ये बहुत बार पेपर में रिपीट हो चुका है। टाइप्स ऑफ नोवेल में एक्स्ट्रॉर्डनरी सब कुछ है यहाँ पे भी। और ये आप यहाँ के बाद ये सब कुछ पढ़ना है आपको। उसके प्लॉट, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है असाइनमेंट्स में भी, क्वेश्चन पेपर में भी। तो ये भी आपको पूरा पढ़ना है सब कुछ अच्छे से। आपके पास बुक तो होगी तो आप उसमें टिक कर सकते हैं जो जो मैं आपको बता रही हूँ। द टाइप ऑफ प्लॉट्स, ये आपको अच्छे से रीड करना है। देखिए टॉपिक है नरेटिव मोड्स, ये भी आपका जरूर आएगा। आप इसको अच्छे से टिक करने, या तो इसमें आपके दो नरेटिव, या तो आपका फर्स्ट नरेटिव के बारे में वो शॉर्ट नोटिस पूछ लेगा, या थर्ड पर्सन वाले के बारे में पूछ लेगा। तो इन दोनों में से कुछ ना कुछ जरूर आएगा, तो आप ये दोनों जरूर कर लें। थर्ड पर्सन नरेटिव मोड इतना है, उसके बाद फर्स्ट पर्सन नरेटिव मोड है, ये आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। मेन टॉपिक्स ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल टू में अब हम देखते हैं कौन से मेन टॉपिक्स। टाइम एंड प्लेस, ये दो बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, तो हम इसको रिस्क नहीं लेंगे, छोड़ने का ये पढ़ना है। न्यू एरियाज ऑफ नोवल राइटिंग, ये भी बहुत बार आ चुका है, ये आपको पढ़ लीजिएगा। अब हम आते हैं दूसरे ब्लॉक पे, फ्यूचर ऑफ नोवल। इसमें नोवल्स, इसमें हम देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। द फ्यूचर ऑफ द नोवल ऐसे करके इसमें एक टॉपिक है, इसमें ये सारा दिया हुआ है, तो आप प्लीज़ इसके ऊपर पढ़ लें, ये जरूर होती है, जरूर आ सकता है। उसके बाद हम आ गए हैं सेकंड ब्लॉक पे, केट चोपिन की है द अवेकनिंग्स। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस वाली नोवल को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, ये आपको पढ़ के ही जानी है, क्योंकि इसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसमें से ही बनते हैं। तो इसके हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं। सिम्बोलिज्म इन द अवेकनिंग, ये बहुत बार आ चुका है, आप इनको पढ़ लेंगे और एक बार ईजी हो जाएगा अगर आप इस पूरे की यूट्यूब पे एक वीडियो वगैरह देख लें, उसे आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगी, तो आप एक बार वो जरूर देख लें। इसके बाद हम यूनिट टू पे आए हैं, इसमें केट चोपिन अर्ली लाइफ एंड बैकग्राउंड ये दिया हुआ है, ये आपको पढ़ लेना है। द शेडोल बैकग्राउंड ये दिया हुआ है, ये भी आपको पढ़ लेना है। द हिस्ट्री ऑफ न्यू ऑरलियंस ये भी आपको पढ़ना है, ये ऑथर के बारे में दिया हुआ है, ऑथर के बारे में जहाँ भी लिखा है वो आपको पढ़ना है, क्योंकि ऑथर के बारे में आ सकता है। हमारे यहाँ यूनिट फोर में, और यूनिट फोर में ये वाला टॉपिक फेमिनिस्ट अप्रोच टू द अवेकनिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर पढ़ेंगे। सिम्बोलिज्म इन द अवेकनिंग, ये आपको फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रही हूँ अवेकनिंग नेवल नोवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसमें मेनली अच्छे से सब कुछ पढ़ेंगे, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए इसमें आपको फ्रूट इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके बारे में पूछा हुआ है, तो अगर आप नोवल पढ़ के जाएंगे तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी याद रहेंगे। हम आ गए हैं ब्लॉक थ्री पे, पराचा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे पास। तो सबसे पहले तो द उड़िया नोवल, इसमें इसी लैंग्वेज में ये नोवल बनी थी, तो हमको ये अच्छे से देख लेना है कि इसमें क्या क्या है, क्या क्या इसमें ऑथर के बारे में दिया हुआ है, जो इसने अटेम्प्ट करे थे, फकीर मोहन सेनापति, सब कुछ इनके इनके ईयर सब कुछ दे रखा है, ये आपको अच्छे से याद करना है। क्वेश्चन जैसे बने हुए हैं इनके, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसमें भी आपको तो स्टोरी आउटलाइन, इसकी पूरी स्टोरी की आउटलाइन दी हुई है, अगर आप यहाँ से ही पढ़ लेंगे तो अच्छा है, लेकिन आप वीडियो देख लेंगे तो आपको अच्छे से मेमोराइज हो जाएगा। ये देखिए राजा की डिटेल स्टोरी दे रखी है, चैप्टर वन, चैप्टर टू, चैप्टर थ्री, फोर, फाइव, इसमें पूरे चैप्टर दे रखे हैं, ये आपको जरूर पढ़ना है। इनमें से आ सकते हैं, इनमें से क्वेश्चन भी बहुत सारे बने हैं। आउटलाइन स्टोरी ऑफ मेन कैरेक्टर्स, ब्रीफ स्केच ऑफ सुकुमार जानी, इसमें थीम सब कुछ दे रखा है, तो आपको ये जरूर से जरूर पढ़ना है। ग्लोसरी आप पढ़ सकते हैं, इसमें आपको अच्छे से मतलब हेल्प हो जाएगी। उसके बाद हम आ रहे हैं यूनिट टू पे, सोशियो कल्चर कंटेस्ट, इसमें भी राजा के बारे में वही आपको पढ़ना है। थीम ऑफ पराजा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्लीज़ जरूर से जरूर पढ़ लें, क्योंकि ये बहुत बड़ी। और लव सॉन्ग्स में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हर बार क्वेश्चन आते हैं और इस बार भी आएंगे, तो लव सॉन्ग्स और इसके जितने भी सॉन्ग्स हैं लाइक वर्क सॉन्ग्स, फेस्टिवल सॉन्ग्स और भी बहुत सारे हैं इसमें, सारे जो भी ये सारे सॉन्ग्स थे पराजा सॉन्ग, तो इनको सबको आपको अच्छे से और इनके मीनिंग और क्या समझ के राइटर ने लिखे हैं वो भी सब दिया हुआ है, तो आपको अच्छे से पढ़ लें। द प्लॉट ऑफ पराजा, ये द प्लॉट इसमें समझाया हुआ है, ये आपको अच्छे से याद करना है। पराजा द नोवल इन ट्रांसलेशन, इसमें दिया हुआ है कि कौन कौन सी लैंग्वेज में ये नोवल को ट्रांसलेट किया गया था, और पराजा इंग्लिश वाली बहुत मेन है, तो आप इंग्लिश वाली मेन है तो आपको ये वाली जरूर पढ़नी है, इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा। पराजा जो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई थी उसके बारे में इसकी सारी थ्योरी दी हुई है। ये किसी क्वेश्चन पेपर में नहीं आया है, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको मेटाफर्स और सब कुछ बताया हुआ है, जो कि एक नोवल में बहुत जरूरी होते हैं, इनकी सारी लैंग्वेजेस बताई हुई है, तो ये आप एक बार पढ़ लेना। इसके सॉन्ग्स के बारे में जो मैं बता रही थी, सारे सॉन्ग्स के बारे में अच्छे से लिखा हुआ है पराजा के सॉन्ग्स के बारे में, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। हम आइए दूसरी नॉवल स्टार्ट हो गई है, थिंग्स फॉल अपार्ट। ये सारी नॉवल आपने पढ़ी ही होंगी कहीं ना कहीं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फेमस नॉवल थी, और इन्हीं नॉवल के बिहाफ पे हमने इनको इन्होंने हमको समझाया हुआ है कि नॉवल में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं और क्यों नॉवल बनती है, कहाँ से नॉवल आई है, कैसे शुरू हुई है, ये सबको हमको बताया हुआ है। अफ्रीकन नॉवल ये भी आप पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, इतनी नहीं है बट ये आ सकती है। और इसमें नॉवल्स मतलब ये जो सब्जेक्ट है बहुत ट्रिकी है, तो हम ये पूरी बहुत बड़ी बुक है ये नहीं पढ़ सकते, इसमें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें भी नहीं है, तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ, तो वो आप जरूर पढ़ना, मार्क्स अच्छे आ सकते हैं आपके।
द नाइजीरियन नॉवल इन इंग्लिश, जहाँ पे भी आपको इन इंग्लिश दिखे ना, वो तो समझो इंपॉर्टेंट होता ही है, तो वो आपको पढ़ना ही है। थिंग्स फॉल अपार्ट इसमें सब कुछ दिया हुआ है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है, इसमें सारा इसका ओवरव्यू दिया हुआ है। और देखिए ये आपको छोड़ना नहीं है, नो लॉन्गर एट ईज 1960 देन एरो ऑफ गोल्ड 1964 की द थिंग्स फॉल अपार्ट के ही पार्ट है, तो ये आपको पढ़ना है। थिंग्स फॉल अपार्ट का डिटेल एनालिसिस दे रखा है, ये आपको पढ़ना है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 सब कुछ दिया हुआ है, तो ये आप अच्छे से पढ़ लेंगे। एक बार आप वीडियो देख लें और एक बार आप ये पढ़ लें तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इतना कुछ है नहीं, ये भी नॉर्मल नॉवल्स की तरह ही है। इसमें सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इनके आंसर्स आपको लास्ट में मिल जाएंगे चैप्टर के, जैसे कि यहाँ पे इनके आंसर्स हैं, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। ओके गाइस, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, आप इनको सबको पढ़ लें तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि मैंने भी पेपर में यही पढ़े थे और मेरे को अच्छे मार्क्स मिल गए थे। तो इन्हीं इन्हीं टॉपिक्स में से मोस्टली आपका पूछा जाता है और आप सारी बुक ओवरव्यू कर लोगे, तो अगर वो आपसे कुछ एक्स्ट्रा पूछते भी हैं तो इतना कुछ वो नहीं होता लिखने में, आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं। थैंक यू गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ऐसे वीडियोज देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।